आज का दिन हमारे चैनल के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर करेंगे एक बिगेस्ट अनबॉक्सिंग जो कि हमारे चैनल पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो आज हम यहाँ पर करेंगे अनबॉक्सिंग एक एंड्रॉयड टीवी की जो कि है सोनी की तरफ से, और जिसे कि मैंने आज से करीब 5 दिन पहले परचेस कर लिया था। तो यहाँ पर एक सोनी का जो ऑथराइजर था उसने आके पूरा सेटअप कर दिया। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग तो शूट नहीं कर पाया, पर आज हम इसके करेंगे रिव्यू, देखेंगे इसके फीचर्स और क्या है सही टीवी है आपके लिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई एंड्रॉयड टीवी 1 लाख रुपीज के अंदर, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट इन स्टार्टेड। सो गाइज, यह है सामने की तरफ हमारे बॉक्स जहां पर लिखा है बड़े अक्षरों में सोनी और नीचे लिखा है ब्राविया, जो कि इसके बेस्ट रिजोल्यूशन ऑडियो वीडियो इंटरचेंज आर्किटेक्चर को दर्शाता है। साइड में दिया गया है इसका मॉडल नेम जो कि है X75F और ये 55 इंचेस का वेरिएंट है। यहां पर बॉक्स के साइड की तरफ अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक सोनी का लोगो, और आप जैसे यहां पर नीचे आते हो तो इसकी MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट और भी काफ़ी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पर आप इसको पढ़ के इसके बारे में और भी काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हो। अभी यहाँ पर इसके बारे में और भी लिखा हुआ है इसके बॉक्स पर, अब डायरेक्टली इसे करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर कुछ टीवी इस तरीके से यहाँ पर लुक देता है, जहाँ पर मैंने इसे वॉल माउंट करके रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलता है सोनी का एक छोटा सा लोगो, जहाँ पर लिखा है IR ब्लास्टर नीचे की तरफ, और उसी से रिमोट कंट्रोल वहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर बात करें इसके रिमोट की, तो रिमोट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ऊपर की तरफ दिए गए काफ़ी सारे बटन्स, और यहाँ पर दिखा है एक होम बटन, जहाँ पर अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस खुला रहेगा, और जहाँ पर आपको अलग सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज के एप्लीकेशंस इंस्टॉल मिलेंगे, जो कि आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको अल्फा म्यूजिक, बीप्लिक्स, सोनी लिव ऐप, अमेजॉन प्राइम जैसे बहुत सारे वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे इसके HDMI पोर्ट, जहाँ पर अगर आप HDMI यहाँ पर यूज करेंगे तो HDMI के ऑप्शन भी दिखाई देंगे। सो गाइज, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगी 1GB की रैम, 18GB की स्टोरेज और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 HDMI पोर्ट्स, 3 USB पोर्ट्स, और इन सभी चीज़ों की मदद से आप अपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रीमिंग सर्विसेज यहाँ पर चला सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब को भी यहाँ पर सर्व कर सकते हो। और ना कि YouTube, तो आप यहाँ पर Netflix, Amazon Prime भी यहाँ पर चला पाएंगे। अगर इसके स्क्रीन मिररिंग की बात करें, जहाँ पर आपने स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वहाँ पर आप टीवी पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर साइड में आपको एक बटन देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस बटन को प्रेस करने से यहाँ पर सबसे बॉटम टॉप पर आपको मिलेगा एक नेम, जहाँ पर लिखा है स्क्रीन मिररिंग। और स्क्रीन मिररिंग का एक बहुत ही छोटा सा सेटअप है, जहाँ पर इसको क्लिक करने से आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर इस पर 2 times यहाँ पर क्लिक करने से आपको स्मार्टफोन को ले आना होगा, और आपका कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो उसका वाईफाई आपको इनेबल करना होगा। और एक बार अगर आपने वाईफाई इनेबल कर दिया तो सेटिंग्स में आपको स्क्रीन मिररिंग का अपने आप से ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको इस जो डिवाइस है इसका मॉडल नेम आ जाएगा, जो कि होगा KD55X7500F, जहां पर इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा डिवाइस अब सक्सेसफुली इससे कनेक्ट हो चुका है, और मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर मिरर हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, टाइमिंग और क्लॉक स्पीड काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर हम YouTube को प्ले करते हैं अपने मोबाइल को, और जैसे ही इसको मैं लैंडस्केप मोड पर यहाँ पर ले आऊँगा तो टीवी अपने आप से इसको लैंडस्केप मोड पर लाएगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी YouTube की वीडियोस 55 इंचेस की स्क्रीन पर, जो कि एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया देती है। यहाँ पर आपको हर एक मोबाइल की पूरी स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपके WhatsApp के मैसेज, आपके जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर वो टीवी पर दिखाई देंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप अपने एंड्रॉयड के गेम्स भी इस पर प्ले कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सामने की तरफ हम प्ले करने वाले हैं सबवे सर्फर्स। तो यहाँ पर ये गेम लोड हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर प्ले करेंगे तो जैसे ही आप मोबाइल पर जो भी एक्टिविटी करेंगे आप अपनी टीवी पर भी उस एक्टिविटी को देख सकेंगे। सो
तो गाइज यहाँ पर गेम सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये गेम फिलहाल मेरे स्मार्टफोन पर अभी शुरू है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्ले करूंगा और जैसे ही इसे मैं राइट या फिर लेफ्ट लेने की कोशिश करूंगा तो वैसे ही टीवी पर आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसके कुछ सैंपल्स। अनबॉक्सिंग और फीचर्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसको एक रिमोट की जरूरत पड़ेगी जो आपको इसी बॉक्स कंटेंट में मिल जाता है। तो ये पूरी तरह से सोनी का ही एक प्रोडक्ट वाला रिमोट ही है और यहाँ पर इसके सभी फीचर्स को मेंशन किया गया है, जहां पर आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ही बटन्स मिल जाते हैं नेटफ्लिक्स गूगल प्ले प्ले स्टोर को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, जो कि काफी आसान तरीका है। अब यहाँ पर आपको अगर इसका इंटरफेस दिख रहा होगा एंड्रॉयड का, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो आपको यहाँ पर मिल जाती है स्क्रोलिंग, जहां पर आपको वीडियो स्क्रीन मिररिंग टीवी कंट्रोल सेटअप जो कि यहां पर एलेक्सा का है यूट्यूब मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको इनपुट्स मिल जाते हैं जो कि HDMI HDMI 2 जो कि इसके 4 HDMI पोर्ट है तो उनको दर्शाते हैं, और यहां पर लास्ट में यहां पर वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर जाते वक्त यहां पर अगर इसे हम क्लिक करें तो हमारा टीवी ऑन हो जाता है, जो हमारा केबल या फिर DTH है वही ऑन हो जाता है, जहां पर इसका एक बैक बटन दबाने से हम वापस आ जाएंगे और इसका होम बटन दबाने से हम इसके वापस जो फीचर्स है वहां पर आ जाएंगे। तो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इसका सेटिंग, जहां पर बिल्कुल एक एंड्रॉइड की तरह इसकी सेटिंग है, जहां पर जाने से आपको इसका अबाउट इसका वर्जन जो भी इसके फीचर्स है उसके बारे में पता चलेगा। साइड में मिल जाता है आपको वाईफाई नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन, जहां पर इसको क्लिक करने से आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो, और यहां पर वायरलेसली आप अपने मोबाइल का इंटरनेट भी इस पर एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है और इसका वाईफाई ऑन करके आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और सिंपली से आप इस पर यूट्यूब नेटफ्लिक्स Amazon Prime जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज को इजीली यहां पर चला पाओगे। तो यहां पर देखते हैं हम इसका बैक, तो यहां पर हम फिर से आते हैं यहां पर होम मेनू पे, तो यहां पर आपको स्क्रॉलिंग मिल जाती है, और जैसे ही आपके टीवी को कोई अपडेट अवेलेबल हो जाए तो यहां पर वो अपडेट भी शो कर देगा एक मैसेज के थ्रू, जैसे कि बिल्कुल एक एंड्रॉइड की तरह। तो यहाँ पर एक फीचर आपको मिल जाता है इसके रिमोट कंट्रोल में, जो कि है गूगल असिस्टेंट का, और इसको गूगल असिस्टेंट को एक बार प्रेस करने से यहाँ पर जैसे ही आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो या फिर टीवी को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इसे एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो इस टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम इससे बैक लें तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ही एक बटन मिल जाएगा इसके लेफ्ट कॉर्नर साइड में, जहाँ पर इसको यहाँ पर लगने से यहाँ पर स्ट्रीमिंग चैनल्स HDMI के पोर्ट्स, और नीचे आपको स्क्रीन मिररिंग मिल जाएगी, जहाँ पर स्क्रीन मिरर की मदद से आप अपने जो स्मार्टफोन की मिरर इमेज है वहाँ पर आप टीवी पर भी देख सकते हो काफ़ी सिंपल, जैसा कि मैंने आपको सैम्पल वीडियो में बताया था। सो गाइज ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, अब यहाँ पर बताता हूँ कि इसको परचेस करने का कारण क्या है। तो गाइज मुझे पर्सनली सोनी के गैजेट्स काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आते हैं, तो मैंने एक होम थिएटर भी परचेस करके रखा है जिसकी अनबॉक्सिंग आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, तो मुझे सोनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी
तरीके से पसंद आते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से गैजेट ज़्यादा पसंद है। आप सैमसंग ले सकते हैं, एम आई ले सकते हैं, आपके बजट के अनुसार आप कोई भी स्मार्ट टीवी ले सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोनी का ही टीवी परचेस कर लो, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी और साउंड दोनों मिल जाएंगे, जो कि एक टीवी के लिए काफ़ी प्रॉपर बातें होती है। सो गाइज, यहाँ पर आपको इस टीवी को अगर परचेस करना हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर वहाँ से सिंपली से इसे परचेस कर सकते हो, या फिर इसके बारे में जो इसके स्पेसिफिकेशन है ऑर्डर उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। सो गाइज, अगर आपके कोई डाउट्स है तो YouTube ने नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है, जाकर आप वहाँ पर अपने कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चन को लिखिए। मैं 100% उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा और जवाब दूंगा भी। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो गाइज, दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम दिस चैनल एंड I will see you guys in the next one.